हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आज नवमी है और मैं अभी सो के जग रही हूँ। सो गई थी, नींद लग गई थी। जल्दी जल्दी काम करना है, कन्या खिलानी है, आज हवन पूजा सब करना है, तो अब मैं चल रही हूँ। जल्दी जल्दी फ्रेशन अप हो के नहा धो के आपसे मिलते हैं पूजा रूम में और किचन में। जय माता दी। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं लेट हो गई थी। मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और अभी मैंने आज साड़ी बांधी है, क्योंकि आज कन्या खिलानी है, पूजा करनी है, हवन करनी है। मम्मी को अच्छा लगता है जब हम साड़ी बांधते हैं, तो इसलिए मैंने साड़ी बांध ली है। थोड़ा सा तैयार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। बाल एज इट इज छोड़ दिया है, कॉम नहीं किया है, बाकी थोड़ा थोड़ा तैयार हो गई हूँ। और अब मैं नीचे चल रही हूँ, क्योंकि किचन हमारे नीचे ही है, सब खाना पीना नीचे ही बनता है। और मैं जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ हलवा कन्या के लिए, माता के भोग के लिए। अभी मेरा हलवा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट काटने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जितना भी काट पाई हूँ उतना डाल दे रही हूँ। और ये मेरा हलवा तैयार हो गया है, अभी मैं सब्जी भी बनाऊंगी। हलवा पूरी एक बार खिलाने के बाद हम लोग सब्जी भी खिलाते हैं कन्याओं को, ताकि उनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए। मीठा खा खा के ऊब जाती हैं, हर घर से मीठा खा के आई रहती हैं। तो मैं आलू परवर की सब्जी बनाऊंगी, बहुत टेस्टी टेस्टी सी। वैसे भी प्रसाद में टेस्ट अलग सा ही आता है, पर डे आए या ना आए, बट प्रसाद वाली सब्जी में या प्रसाद वाले खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। माता जी की कृपा होती है, वो बहुत अच्छा बनता ही है। आप देख रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी परवर काट ले रही हूँ। और अभी मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है, धनिया की पत्ती डाल दे रही हूँ ऊपर से, और ये बहुत अच्छी लग रही है। और ये हमारी देवरानी रानी आ गई हैं, फ्रेशन अप होके नहा धो के, और ये चौक बना रही हैं जहाँ पे हवन किया जाएगा। हमारी फैमिली बैठ के हवन करेगी साथ में। और बहुत अच्छी बात ये है कि मेरी मम्मी जी आज बेटर फील कर रही हैं, आज मम्मी भी शामिल हैं पूजा और हवन में। और मम्मी को कलर लगा रही हैं छोटी, सब लोग कलर लगाते हैं हवन में बैठने से पहले, बिना कलर की पूजा अधूरी मानी जाती है ना। और हमारे यहाँ जेंट्स भी लगाते हैं हवन में बैठने से पहले, जेंट्स को भी कलर लगाया जाता है। सो घर के जेंट्स को भी लगाएंगे और लेडीज़ को भी लगाएंगे। मम्मी को कलर लग चुका है, अब मुझे लगाएंगी ये, और मुझे लग जाएगा कलर, फिर और बचेगा कौन। हाँ, ये देवर जी को लगा देंगी, डैडी को लगा देंगी, जेठ जी को नहीं लगाएंगे। जेठ जी को मुझे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जेठ को छूने का बहुत बड़ा विचार माना जाता है, जेठ को छुआ नहीं जाता है। अब आप देख रहे हैं, मुझे भी कलर लग गया है जैसा कि, और मुझे कलर लगने के बाद मैं, ये देवर आ रहा है, देवर को लगेगा, फिर मैं लगाऊंगी अपने हस्बैंड जी को। उधर सारी तैयारियां हो गई हैं, हवन सामग्री भी तैयार हो गई है हमारी, एक तरफ कर ली है हम लोगों ने मिलके, और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं। बस पूड़ियां बनानी बची हैं। पूड़ियां मैंने इसलिए नहीं सेकी हैं कि वो बाद में, मतलब ताज़ी ताज़ी निकाल के दूंगी कन्याओं को, जैसे ही कन्या खाने वाली होंगी तो निकाल लूँगी। मुझे जुकाम भी हो गया है, पता नहीं कैसे आज। और ये डैडी जी को कलर लग रहा है आज हमारे यहाँ, देवर जी को छोड़ के, मतलब डैडी और राज ने धोती बांधी है, इनको आती नहीं बांधनी, बहुत मुश्किल से बांध पाए हैं। आप देख रहे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बट डैडी ने बोल दी कि धोती पहनो, तो धोती तो पहनना ही है, उसको मना नहीं कर सकते। डैडी को कोई भी अवॉइड नहीं करता, हमारे यहाँ डिनाई नहीं करता है, वो जो भी कहते हैं वो हो करना ही पड़ता है। तेजस भी आज कुर्ता पहनेंगे, बहुत मुश्किल से, इन्हें कुर्ता नहीं पसंद है, बहुत रिक्वेस्ट किया है मुझसे, मम्मा प्लीज़ कुर्ता मत पहनाओ, बट सभी का मन था कि तेजस भी कुर्ता डालें, तो तेजस भी कुर्ता पहनेंगे। हवन पूजा इन सब चीज़ों में कुर्ता साड़ी यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऐसे तो कुछ भी तो हम लोग रोज़ पहनते हैं ना। तो थोड़ा सा मैं भी कोशिश करती हूँ कि पूजा में, जब भी पूजा हो, कोई भी ऐसा काम हो, तो मैं साड़ी बांधूं। और अब मैं अपने पतिदेव को कलर लगा रही हूँ,
अब हम लोग हवन में बैठ चुके हैं। नारायणी नमस्ते आरती हम लोगों ने कर ली है। अब कलश को हिला देंगे, सब लोग आरती ले लेंगे। सभी लोग आप देख रहे हैं आरती ले चुके हैं। उसके बाद आम का पत्ता एक राख में लगा के उसका सबको तिलक लगाया जाता है। वो प्रोसेस मैं कर लूँगी। और कलश को थोड़ा सा हिला दिया जाएगा, उसकी जगह से बगल कर दिया जाएगा, क्योंकि कल मंगलवार है, मंगलवार को कलश नहीं हटाते हैं, आज ही कर दिया जाएगा। और अभी देवर जी को ऑफिस जाना है, उनका लंच भी रखना है, फटाक से कन्या भी खिलानी है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, सब जल्दी जल्दी करना है। जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। हम आम के पत्ते में राख लगाते हैं, तिलक लगा देंगे। वो मैं करने जा रही हूँ, मम्मी से पूछ पूछ के कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। मम्मी के बिना हम लोग अधूरे रहते हैं। कलश स्थापना बिना मम्मी के की थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी भी थोड़ा सा ठीक है। तो हम लोग मन से बहुत माता जी की विदाई है, तो थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि 9 दिन तो पता ही नहीं चलता है। हम लोगों का तो बहुत पता चला, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल गया, फेस सब कुछ करना पड़ा है। तो हम लोगों को तो पूरे 9 दिन बहुत अच्छे से पता चले।
हमारे यहाँ ये नारियल फोड़ने में छीलने में नंबर एक के हैं, तो सबसे पहले यही बैठ जाते हैं, इनको अच्छा आइडिया। बोलो, ये बोल दे अम्बे मैया की, बोल दे शेरा वाली मैया की, और बोल दे काली माता की, बोल दे जगदम्बे मैया की, बोल दे वैष्णो माता की, जय। आवाज भी नहीं निकल रही है, इतनी धीरे कौन बोलता है। और अब नारियल में से जो भी पानी निकलेगा इसको पूरे घर भर में छिड़क दिया जाएगा। इससे कहते हैं कि घर पवित्र हो जाता है, प्रसाद पूरे घर में पहुंच जाता है। तो ये साहब हमारे ले जाके ये पूरे घर में डाल के आ चुके हैं और कन्याएं आ चुकी हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकाल रहे हैं, गरम गरम पूड़ियाँ निकाल के कन्याओं को खिलाई जाएंगी। मैं और मेरी देवरानी जुट गए हैं काम करने में। व्रत वाले दिन बहुत काम हो जाता है, कितनी भी जल्दी करो लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई रोष्टि हो जाता है, कुछ ना कुछ बचा ही रह जाता है। एक तो हवन पूजा में देर भी हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम दोनों की फास्ट हो जाए, लेकिन कहते हैं ना जब देवरानी जेठानी की जोड़ी जुट जाती है तो फिर हर कोई हार मान लेता है। तो हम लोग फटाफट कर रहे हैं काम, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये काम माता रानी के लिए हो रहा है, कन्याओं के लिए हो रहा है। कन्या पूजन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ पूरे साल, तो बहुत मन से करती हूँ मैं ये। और इस बार हमें ऑफिस नहीं जाना था तो हम लोग बाहर नहीं जा पाए हैं, यहीं पास से ही कन्याओं के लिए कुछ उनके मन का सामान ले आए हैं जो छोटी छोटी बच्चियों को पसंद आएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं, इस बार मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे चोट लग गई थी, इस वजह से मैं छुट्टी ले रखी हूँ 8 दिन की। तो मैं घर ही पे हूँ और आप देख सकते हैं हमारा एकदम यमी यमी फूड रेडी है माता जी के भोग के लिए। अब मैं निकाल ले रही हूँ, हलवा पूरी माँ को बहुत पसंद है तो हलवा पूरी चने का मैं माता जी को भोग लगा दूँगी ले जाके जल्दी से। उसके बाद मैं कन्याओं को खिलाऊंगी और देवर जी के ऑफिस के लिए लंच पैक करूंगी। तो मैं ये माता जी के पास भोग लेके पहुंच गई हूँ, माता जी भोग लगा देंगी, प्यार से खा लेंगी, उसके बाद कन्या खाएंगी। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, भोग लगा के चल नहीं जाना, भोग लगा के चल नहीं जाना, रूखा सूखा खाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। और इस तरह से माता रानी का भोग लगा दिया है, माता रानी की पूजा हुई है सुबह सुबह, और माता रानी विसर्जन को आज चली जाएंगी। आज के बाद क्या मांग रही है होगी, जैसे पर डे होती है 9 दिन वाली तो खत्म ही हो गई है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो निकले, और ये कन्या आ चुकी है हमारे घर में। हमारे पति देव उनका पैर धुल रहे हैं और मैं उनके पैरों में कलर लगा रही हूँ, दोनों मिलके कन्या पूजन करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, और ये छोटी छोटी कन्याएं आई हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी कन्या हैं हमारे घर पे जो आई हुई हैं, इनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं पैर धुल के। और इस तरह से सब अंदर जा रही हैं, नौ कन्याएं नौ दुर्गा रूप बैठ जाएंगी, उनको हम लोग खाना खिलाएंगे प्यारे प्यारे हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से खाएंगी वो। जय माता दी, 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 जय माता दी। सारी कन्याओं के पैर धुल गए हैं इस तरह से, और अब हम लोग इनको बैठा दिए हैं आसन पे। अब इनको हम लोग इनके प्लेट में हलवा पूरी बनाना जो भी है वो हम रख दे रहे हैं, फिर ये स्टार्ट करेंगी
खाना खाना। ये दो लंगूरे बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल से बेटा मेरा बैठता है लड़कियों के। ये एक मोबाइल वाली कन्या आई थी, मोबाइल छोड़ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा इसको मैं ही खिला देती हूँ। तो मुझे इसको खिलाने का मौका मिल गया है। इस मोबाइल वाली कन्या को, न्यू जनरेशन की कन्या है ये, बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाते। ये मेरी मम्मी जी बैठी हुई हैं कन्याओं के स्वागत में, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हैं, तबीयत ठीक लग रही है इनकी। और अब मैं कन्याओं का पैर छूंगी, इनसे आशीर्वाद लूंगी। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई कि छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, शेरा वाली बता गई रे एक छोटी सी कन्या। और इस तरह से जैसे तैसे हमारी नवरात्रि पूजा हो गई है, कन्याओं का पूजा करने में बहुत मजा आया है, बहुत अच्छा लगा है। और ये हमारे पति देव हैं, ये हैं कि गिफ्ट कर रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों को अपनी तरफ से। ये फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं, आज तक इन्होंने कन्या के लिए मतलब ऐसे सम्मिलित नहीं हुए थे। किया तो बहुत कुछ था बट अपने हाथों से नहीं किया था। जैसे डैडी भी व्रत हैं बट उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं कि वो हैं कहाँ पे, वो कहीं दिख ही नहीं रहे, इतना काम करते हैं, काम में ही बिजी हैं। डैडी मेरे करते सब कुछ है, सारा अरेंजमेंट करते हैं बट उनको टाइम नहीं रहता है, इतना काम में बिजी रहते हैं कि वो अपने हाथ से थोड़ा सा कुछ दान पुण्य कर दें। ढूंढे जा रहे हैं बहुत देर से लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं कहीं भी। वो छत पे पेंटिंग चल रही है तो वहाँ पे मजदूर के साथ में बिजी हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम ही सब कर रहे हैं। ये पति देव मेरे पानी ला ला के दे रहे हैं और मैं सर्व कर रही हूँ। अब इनको ऑफिस भी जाना है, अब जल्दी जल्दी कन्या खा लेंगे फिर ये जाएंगे। बहुत लेट हो चुका है इस बार, बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है, लगभग 12 बज चुके हैं, लेट उठने की वजह से ऐसा हुआ है। ये मैं छोटी छोटी कन्याओं को अपने हेयर बैंड पहना रही हूँ जो कि इनको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लंगूरा बाबा बैठे हुए हैं दोनों, और ये हो गया। अब मैं प्रसाद दे रही हूँ इनको, नारियल जो कि कलश पे रखा हुआ था वो तोड़ा गया है और तोड़ के उसका छोटा छोटा प्रसाद बनाया गया है, और वो अब इन कन्याओं को दे रही हूँ मैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है मुझे लग रहा है बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। अभी मुझे एडिटिंग बहुत अच्छी नहीं आती है, इसके लिए सो सॉरी ऑडियंस, प्लीज आई एम रियली 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 सॉरी। और ये कन्याओं ने खाना शुरू कर दिया है, भोग लगाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी रंग बिरंगी कन्याएं हैं यहाँ पे। खा चुकी हैं, अब ये हाथ में अपनी अक्षत ली थी, अभी मैं देवानी जी खाने बैठ गई हूँ रोड पे, और ये हमारे ऊपर अक्षत डाल रहे हैं, हमारे आंखों में दे रहे हैं। माना जाता है कि लक्ष्मी कभी कमजोर होती है, बढ़ोतरी होती है धन की हमेशा। और अब हम कन्याओं को विदा कर रहे हैं, अच्छा लगा आज का दिन। राधे राधे, जय माता दी। इधर देखो इधर, और ये है हमारे घर की मेन कन्या हमारी लक्ष्मी, जिनको हम लोग भोजन करवा रहे हैं और पैर छू रहे हैं, ये हमें आशीर्वाद देंगी। हमेशा साथ देने वाली, हमेशा साथ रहने वाली हमारी कन्या रानी। और ये मम्मी जी का आशीर्वाद ले लिया है सबसे लास्ट में। माता रानी ने सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया है इस बार नवरात्रि में। माता रानी हमारे परिवार पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखें, भगवान करें। भगवान जी, जय माता दी, राधे राधे।